नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मित्रों, कल भी थोड़ा कोहरा आ गया था और आज बहुत ज़्यादा कोहरा है। अभी लगभग 9 बजने को है, 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा, और सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, 10 मीटर आगे दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो सर्दी का मौसम भी है, पूरे उत्तर भारत में ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है। तो ठंड के मौसम में अपनी गौशाला को कैसे आप व्यवस्थित रखें और कैसे उनका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो गायों के खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मेरी गाय अभी भी बाहर ग्रेजिंग के लिए जाती है, लेकिन बाहर अब उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बारिश भी हो गई और ओले भी गिरे। तो जो भी सूखा चारा था वो क्या है कि ज़मीन के चिपक गया और थोड़े दिनों में सड़ जाएगा, तो बाहर कुछ बचेगा नहीं। अगर सर्दियों में यहाँ बारिश नहीं होती राजस्थान में, तो लगभग हमारे होली तक बाहर कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन अब इतना है नहीं। तो हालांकि अभी भी मैं बाहर ले जाऊँगा, इंतज़ार कर रहा हूँ अगर सूरज निकल जाए। तो अगर नहीं भी निकलेगा तो 10-11 बजे के लगभग, तो उससे पहले क्या है ना कि गायों को चारा डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ आप भूखे पेट बाहर ले जाएंगे और बाहर ज़्यादा कुछ खाने को नहीं होगा, तो क्या होता है कि ऐसे समय में जो भी आपका कमज़ोर जानवर होगा, कोई बछड़ा या बछड़ी होगे, तो उनके क्या है कि ऑलमोस्ट 99% चांसेज रहते हैं कि वो ठंड से, मतलब उसका कमज़ोरी आ जाए, बैठ जाए, फिर उठक उसके खड़ा नहीं हो जाए पाए। मतलब 2-3 दिन ऐसा रूटीन चलता रहा ना, तो वो बिल्कुल ही एकदम डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि आप जो भी है, हमारी सूखा चारा ज़्यादा है, अगर आपके हरा चारा है तो हरा चारा भी डाल सकते हैं। तो सूखा चारा है, हरा चारा तो मेरे पास कम है हालांकि, तो सूखा चारा है, ज्वार की जो कुत्तर है तो मैंने अभी डाल दिया है। तो इनके एक वो नाश्ता टाइप नाश्ता हो जाएगा, तो पेट में कुछ न कुछ रहना चाहिए ताकि इनके शरीर का जो गर्मी का लेवल है वो मेंटेन रहे। और उसमें क्या है कि फिर अगर ये बाहर जैसे चलने के लिए भी जाते हैं, घूमते हैं, रोज़ के 8-10 किलोमीटर घूम के भी आते हैं, तो हालांकि जिस क्षेत्र में मैं ले जाता हूं, तो वहां पे क्या है कि फेंसिंग की हुई है, तारबंदी की हुई है, तो वहां दूसरा कोई जानवर आ नहीं सकता। और स्पेशली क्योंकि मेरे बुल और गायों के लिए वो इसलिए रखता हूं मैं, क्योंकि बुल कोई दूसरी गाय जो अनजान गाय हो जैसे गांव में घूमती है, उसके भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कोई अगर उसको बीमारी हुई तो आपके हर्ड्स में आ सकती है। यार आपकी गाय अगर कोई हिट में हुई और कोई आवारा जो बुल है जो बिना ऐसी क्रॉस ब्रीड नस्ल का, तो वो क्रॉस करेगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए आप हमेशा ग्रेजिंग में भी ध्यान रखें, और अभी सर्दी का मौसम है तो ये इनकी चराई में बिल्कुल ध्यान रखें। तो अभी थोड़ी फिर 4-5 घंटे के लिए ग्रेजिंग के लिए जाएगी, और शाम को वापस आते ही इनको ये जो खुरली है, जो ठाण है, ये भरे मिलेंगे, तो चारा खा के आराम से तृप्त होकर पानी पी के आराम से अंदर बैठ जाएगी। मैं इनको जहाँ तक हो सकता है नेचुरल ही माहौल देने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा राजू भाई है, तो राजू भाई ये हमारी इधर व्यवस्था भी संभालते हैं, और राजू भाई के सहयोग से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि फर्श भी हमने कच्चा है, और उधर जो शेड है वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही कर रखा है, क्योंकि इससे गायों का इम्यून सिस्टम, जो इनका एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो विकसित होती है। और गायों को जब मैं देखता हूँ, कई गौशाला वाले जैसे पंखे लगा देते हैं या सर्दी के मौसम हीटर लगाते हैं, तो राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश ठंड तो कुछ दिनों के लिए ज़्यादा पड़ती है, लेकिन हीटर वगैरह की उतनी ज़रूरत मेरे हिसाब से पड़ती नहीं है। क्योंकि जो हमारे इस क्षेत्र की गायें हैं, वो ऑटोमेटिकली अगर आप उनको नेचुरल माहौल में रखेंगे तो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी विकसित हो ही जाएगी। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि विशेष तौर पर जो चारे का आप ध्यान रखें, गायों को टाइमली खिलाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर उनको थोड़ा बहुत भी भूखा रखेंगे और फिर बाहर जाएंगे, तो वो कहावत है ना, जो भूखा वजन नहीं होए गोपाला, तो भूखा वजन नहीं होएगा फिर, क्योंकि गायों के दूध में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में फर्क पड़ जाता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई राय है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। और अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।